भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट ने रविवार यानी 19 दिसंबर को लखनऊ के गन्ना संस्थान में डेरा डाल दिया और आंदोलन शुरू कर दिया। इनकी कुल 10 मांगे हैं जिनको लेकर ये गन्ना संस्थान में आंदोलन पर बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक आंदोलन पर बैठे रहेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी 10 मांगे हैं जिनको लेकर किसान यूनियन भानु गुट के नेता आंदोलन पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि पहले तो एक किसान आयोग का गठन हो जो किसानों के मसलों पर ध्यान दे, फिर किसानों के कर्ज माफ किए जाएं ताकि उन पर से आर्थिक बोझ हट सके, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाए और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया जाए। इन किसान नेताओं की मांग है कि 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को 10,000 रुपये महीने का भत्ता भी दिया जाए, आवारा पशुओं से फसल की रक्षा को जतन किए जाएं और तारबंदी पर कोई कानूनी कार्रवाई न हो, किसानों को ट्यूबवेल के लिए बिजली फ्री मिले और किसान आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस हों। साथ ही इनकी ये मांग भी है कि BKU भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित अन्य किसान संगठन के नेताओं की 30 साल की संपत्ति की जांच कराई जाए और रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने किसान कानून के मसले पर किसान आंदोलन से खुद को जनवरी 2021 में ही अलग कर लिया था। 26 जनवरी की घटना के बाद BKU भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने दावा किया था कि जितने भी ये संगठन सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं ये सब कांग्रेस के खरीदे हुए और कांग्रेस के भेजे हुए संगठन हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस इनको फंडिंग कर रही है। कहा था कि इस बात की जानकारी हमें 26 जनवरी को मिली, जब हमें मालूम पड़ा तो इन्होंने 26 जनवरी को पुलिस पर हमला किया, इन्होंने लाल किले पर दूसरा झंडा फहराया। उसी दिन हमने संकल्प ले लिया था कि हम इनके साथ आंदोलन में नहीं रहेंगे और हम वापस जाएंगे। इसके बाद किसान कानून के मुद्दे पर BKU भानु गुट का लगातार झुकाव सरकार की तरफ माना जाता रहा है। 26 जनवरी तक हम चिल्ला बॉर्डर पर रहे थे और हम भी चाह रहे थे कि ये किसानों के साथ अन्याय न हो, लेकिन 26 जनवरी को हमें मालूम पड़ा था कि ये जितने भर संगठन थे, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, ये कांग्रेस के भेजे हुए और कांग्रेस के खरीदे हुए संगठन थे और कांग्रेस इनको फंडिंग कर रही थी। अब हम कह रहे हैं खुल्लम खुल्ला, और हम 100% ईमानदारी के साथ जब हमें मालूम पड़ा कि ये 26 जनवरी में इन्होंने पुलिस पे हमला किया और इन्होंने जो लाल किले पे दूसरा झंडा फहराया, उसी दिन हमने ये संकल्प लिया अब हम इनके साथ नहीं रहेंगे। लखनऊ में ये गुट आंदोलन पर बैठा है और इस पर अभी सरकार की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण आना बाकी है। सरकार की तरफ से कोई बयान या कोई कार्रवाई होने पर हम उसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए NBT के साथ।